बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडीइंग चैप्टर 8 जनरल साइंस एमएनओ क्लास। दिस चैप्टर इज अबाउट एटम्स। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इवन uses of radioisotopes have been discussed. You can ask any question if you are to ask regarding previous lessons. Is there anyone with any question? How many types of radiations I told you, which are produced during radioactivity? कौन बता सकते हैं? Radiations मैंने बताई थी, कितने किस्म की? इमान शजीद, name those radiations. इशल काशिफ, थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन, अल्फा रेज, बेटा बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा, बीटा एंड गामा, ओके। अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, ये थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं जो रेडियोएक्टिविटी के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? जस्ट रेज योर हैंड्स, व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? No one knows. मैंने आपको टर्म बताई थी, उसने हाथ खड़ा करें तो जो बता सको। ट्रांसम्यूटेशन, बेटे मैंने आपको बताया था कि रेडियोएक्टिविटी के दौरान जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं वो रेडिएशन एमिट करते हैं, और रेडिएशन एमिट करने के बाद अदर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन, मींस द प्रोसेस इन व्हिच एलिमेंट्स आफ्टर एमिटिंग रेडियोएक्टिव रेज आर कन्वर्टेड इनटू अदर एलिमेंट्स, इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन। बट इस लेक्चर को सुन लिया करें बाद में भी, पहले जो सुनी होती है बातें सारे जहन में नहीं रहती, दोबारा सुन लिया करें आप, और जो टॉपिक पढ़े जाते हैं उनको भी अच्छी तरह पढ़ लिया करें। We start next lesson, that is about ions and bonding. Ions क्या होते हैं? आपको एटम के बारे में तो मालूम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, हर प्रोटॉन पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो एटम के ऊपर फिर जीरो चार्ज आता है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो एटम इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इफ इट इज आस्क्ड व्हाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? आयदर रिस्पॉन्ड, इशल नदीम, इशाल नदीम, इशाल नदीम, फातिमा सज्जाद, बड़े एटम क्यों न्यूट्रल होता है? वेरी सिंपल थिंग आई हैव जस्ट एक्सप्लेन। टोटल ओके सर, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स from the outer shells of an atom. किसी एटम के आउटर शेल में से
अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकाल दें या आउटर शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो फिर ये तादाद इक्वल नहीं रहेगी। अब वो एटम या तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन द वे द चेंज हैज अकर्ड। अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो फिर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी, तो ओवरऑल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वाला आयन उसको कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को कैटायन कहते हैं। कैटायन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैथोड और एनोड ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं दूसरे को कैथोड। बट जिस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो एनोड बनता है, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं वो कैथोड कहलाता है। तो वो आयंस जो कैथोड की तरफ जाते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उन्हें कैटायंस कहते हैं, और जो एनोड की तरफ जाते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उन्हें एनायंस कहते हैं। ये जस्ट मैंने कैटायन और एनायन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सेल की थोड़ी सी बात की है, एग्जाम्पल दी है। आपने आयन का याद रखना है कि आयंस कैसे बनते हैं, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज वाला आयन। और जब कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स तो वो कैटायन बन जाता है, मींस पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है। आयन फॉर्मेशन क्लियर है आपको? इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से नेगेटिव चार्ज बनता है, इलेक्ट्रॉन के लूज होने से पॉजिटिव चार्ज बनता है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायन कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन को एनायन कहते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई हैं। पहले एटम न्यूट्रल था, उसके ऊपर चार्ज जीरो था। अब इलेक्ट्रॉन के लास्ट या गेन से जो आयन बनेगा ये न्यूट्रल नहीं होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा। और कितना चार्ज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आई है उतना चार्ज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो प्लस वन चार्ज होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं प्लस टू चार्ज होगा, अगर तीन इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं तो प्लस थ्री चार्ज आएगा आयन के ऊपर। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन के गेन से माइनस वन चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है तो माइनस टू चार्ज होगा, इसी तरह तीन इलेक्ट्रॉनों का गेन है तो माइनस थ्री चार्ज होगा। देखो बेटे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के लास्ट से उतना ही चार्ज है वो कम होता है नेगेटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और जितना नेगेटिव चार्ज कम होता है तो रिजल्टेंटली उतना पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर अपीयर हो जाता है एज इट इज नॉट कैंसल्ड। जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जितना नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होगा तो उतना पॉजिटिव चार्ज कैंसल आउट नहीं होगा, वो एटम के ऊपर शो होगा, एटम नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। आपको एग्जांपल दी जा रही है कि इफ यू कंबाइन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स को अगर हम कंबाइन करते हैं आपस में, तो बेटे सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल कहते हैं सबसे बाहर वाला शेल, क्लोरीन के वैलेंस शेल में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये दोनों एटम आपस में मिलते हैं तो सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल का वो क्लोरीन को ट्रांसफर हो जाता है, जिस वजह से सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज आ जाता है। तो ये दोनों फिर आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं, कॉमन सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट जो खाने पकाने में यूज होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो उसका बनना कैसे होता है? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर होने से। अब चूंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो सोडियम पे प्लस वन चार्ज आ जाता है, क्लोरीन में वो इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है तो उस पर माइनस वन चार्ज आ जाता है।
ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड आयंस जो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है इनके अंदर ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि आयंस हैं, आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, इस वजह से इसको आयनिक बॉन्ड कहा। पता है कि बट कॉमन सॉल्ट इज नॉट मेड जस्ट बाय मिक्सिंग एटम्स टुगेदर। कॉमन सॉल्ट जो अन्य सील है वो सिर्फ एटम्स को आपस में मिलाने से नहीं बन जाता, दे आर स्टक टुगेदर विद अ केमिकल ग्लू दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। जब आयंस बनते हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से वो आपस में हेल्ड हो जाते हैं, जैसा ग्लू के साथ लकड़ी के पीसेस को जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से वो एटम अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए आपस में हेल्ड हो जाते हैं। All bonding involves the movement of electrons in the outermost shells of the atoms. मैंने आपको पहले भी बताया ना कि सोडियम और क्लोरीन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में ये ट्रांसफरेंस हुई है, एक्सचेंज हुआ है सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ क्लोरीन को। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि जितनी भी बॉन्डिंग है इसमें मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की इन द आउटरमोस्ट शेल्स ऑफ द एटम्स, बट एटम्स यूज इलेक्ट्रॉन्स टू बॉन्ड इन डिफरेंट वेज। एटम जो है मुख्तलिफ तरीकों से बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए, अभी यही वेज आपको बताए जा रहे हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आयन के बारे में। आयनिक बॉन्डिंग को देखें, जैसा मैंने आपको अभी सोडियम क्लोराइड का बताया है, ये वही एग्जांपल आपके यहाँ एक्सप्लेन हो रही है। जब सॉल्ट बनता है तो सोडियम एटम्स जो हैं ईच गिव एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। ये देखें, ये सोडियम का एटम है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मीन्स के इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहला के शेल था उसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरा जो एल शेल है उसमें देखें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो तीसरा एम शेल है उसमें ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस शेल जिसमें थोड़े इलेक्ट्रॉन है, बड़े याद रखें हर एलिमेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपना वैलेंस शेल 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा कर ले। अब 8 से कैसे पूरा होगा, अगर 4 यानी हाफ फिल्ड हो, हाफ से ज्यादा हो तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं, और अगर हाफ से कम हो तो फिर उसको अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हाफ हो तो फिर दोनों चांसेस इक्वल होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एटम शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। बट अगर हाफ से मैंने बताया 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो एटम रिलीज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये इसको रिलीज करेगा। ये देखें, इसने रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, और वो रिलीज होने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, क्लोरीन को। क्लोरीन पे देखें, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। यस स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस, एक्सक्यूज मी सर, आपने चैप्टर नंबर 12 सेंड किया, वो आप चैप्टर नंबर 12 करवा रहे हैं? चैप्टर 8 चल रहा है, 8 जब खत्म होगा। चैप्टर नंबर 12 के और 11 के भी नोट्स सेंड किए हैं साइंस के, नोट्स मैंने सारे सेंड कर दिए हैं, बल्कि अभी जो मैंने एक फाइल सेंड की है वो पूरी फर्स्ट टर्म की फाइल है। चैप्टर 1 से लेकर 12 तक जितने भी आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर हैं सभी इंक्लूडेड है। हां जी, वो इंक्लूडेड है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। आपने सिलेबस नहीं देखा? जी ठीक है सर, थैंक यू। चैप्टर 10 11 12 ये भी अभी हमने पढ़ने हैं, जिनमें से चैप्टर 11 जो है वो पीबीएल बेस्ड है, उसके से आप एमसीक्यूज करेंगे, और 10 और 12 जो है वो कंप्लीट करने हैं। सर चैप्टर नंबर 3 भी पीबीएल है ना? हाँ जी, वो भी पीबीएल। ओके बेटा, तवज्जो करें, सोडियम का मैंने बताया था वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसके 8 पूरे हो जाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो सोडियम का एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है, इसके रिजल्ट में देखें कि क्लोरीन का बैलेंस शेल कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉनों से, और सोडियम का जो ये बैलेंस शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन था खत्म हो गया, वो शेल ही खत्म हो गया, उसके अंदर वाला शेल देखें वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉनों से पूरा है। तो दोनों के जो आप बैलेंस शेल हैं वो 8 इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट कंसिडर हो रहे हैं। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांसफरेंस सोडियम जो है वो Na+ प्लस, यानी सोडियम का पॉजिटिव आयन बन गया है और क्लोरीन का नेगेटिव आयन बन गया है। ये दोनों किस्म के आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाएगा।
ये देखिए ये आपकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है कि जब सोडियम एटम जो हैं और क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इस दौरान सोडियम आयन जो है इट हैज पॉजिटिव चार्ज जो कि कैटायन कहलाएगा और जो क्लोरीन का एटम है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्लोराइड आयन यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बन जाता है एनायन। Ions are attracted to each other very strongly because opposite electrical charges जो हैं वो attract करते हैं। आपको मालूम है ना कि like charges repel करते हैं जबकि unlike charges attract करते हैं, तो ये unlike charges से opposite charges से इनके दरमियान attractive force पैदा होगी और ये bond कहलाता है ionic bond और process होगा ionic bonding। बहुत ionic bonds का बताया कि they are very difficult to break, बहुत strong bond होते हैं उनको break करना डिफिकल्ट होता है। ब्रेक करना मीन के एटम्स को आप अलग अलग करना चाहते हैं, इट विल बी मच डिफिकल्ट फॉर यू। रीजन क्या है कि आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड्स की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ, आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। उसके बाद है कोवलेंट बॉन्डिंग। पता है कि लॉट ऑफ एटम्स ऐसे हैं व्हिच डू नॉट इजीली लूज यस सर आपने टेंडर्स ले लिए बिकॉज़ मेरा इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं अभी नहीं लिया टेंडर्स, सर टेंडर्स ले लें। टेंडर्स अभी एक मिनट में ले लेता हूं। कोवलेंट बॉन्डिंग बट आपको बताया जा रहा है कि लॉट ऑफ एटम्स आर सच व्हिच डू नॉट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, कि काफी एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स ना तो लूज करते हैं ना गेन करते हैं और फिर आयनिक बॉन्ड भी नहीं बन सकते, तो इंसर्ट फिर क्या होता है वो एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है दे आर शेयर्ड इन पेयर्स व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी दोनों एटम्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और शेयर हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड जो है इट इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स यानी बहुत ज्यादा कंपाउंड्स ऐसे हैं दैट हैव देयर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द केमिकल्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए बने होते हैं वो कंपाउंड्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच आर फॉर्मड व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, तो बेटे ये छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, दे कंटेन स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखें वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये थोड़ी तादाद है एटम्स के, इसमें ये वाटर को देख सकते हैं, वाटर में ऑक्सीजन का एक एटम दो हाइड्रोजन के एटम से मिलता है तो H2O का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, ये अब H2O मॉलिक्यूल बना है। आप इसमें देखें इस हाइड्रोजन के एटम ने और इस ऑक्सीजन के एटम ने ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जो ये वाला शेयर हुआ, इसी तरह इस ऑक्सीजन के एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से शेयर किया है तो ये दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बना, ये दो कोवलेंट बॉन्ड वाटर के मॉलिक्यूल में बन रहे हैं। ये तो आपको बताया गया छोटे मॉलिक्यूल्स का, आगे कहा कि कुछ बहुत बड़े मॉलिक्यूल भी बनते हैं व्हेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कंबाइंड विद ईच अदर लाइक पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन। पॉलीथीन या इथीन का पॉलीमर होता है जो इथीन के मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बनता है, पॉलीस्टाइरीन जो है ये स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन से बनता है, स्टाइरीन जो है वो फिनाइल इथीन उसका केमिकल नेम है, फिनाइल इथीन उसकी पॉलीमराइजेशन से पॉलीस्टाइरीन बनता है, हार्ड प्लास्टिक होता है पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन ये शॉपर वगैरह जो होते हैं सॉफ्ट प्लास्टिक है। सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स विद एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनके एटम्स कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए आपस में लिंक होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस को देखें, ये O2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो इसमें ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर O2 का मॉलिक्यूल बनाते हैं। Forces that attract the molecules to each other, they are quite weak. जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस पाई जाती हैं वो वीक होती हैं।
उन्हें हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और जो मॉलिक्यूल के अंदर पाई जा रही हैं ये स्ट्रांग होती हैं, इन्हें कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो आप देख रहे हैं ये विद इन द मॉलिक्यूल फोर्सेस हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और ये स्ट्रांग होती हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस पैदा होती हैं वो वीक होती हैं। बताया कि दैट इज व्हाई सो मेनी कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस आर लिक्विड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो ये या तो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उधर आपने देखा था आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से उनके बायो पार्ट्स हैं वो हाई होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है। आयनिक कंपाउंड्स में आपको बताया गया था कि उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है दे आर लो। वजह क्या है? इट डज नॉट टेक मच एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन देम। इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करना मीन एटम्स को अलग अलग कर देना, जैसा यहाँ पे आप वाटर में देख रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिले हुए हैं तो ये बॉन्ड्स बने हुए हैं। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एटम से अलग कर दें ऑक्सीजन के एटम से, इट विल बी बॉन्ड ब्रेकिंग। तो इसके लिए थोड़ी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज इट डज नॉट टेक मच एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन देम। इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड चूंकि वीक हैं आयनिक बॉन्ड्स के निस्बत, तो इनको ब्रेक करना आसान है, तो ज्यादा एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट है वैलेंसी। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क है? हाँ जी, कोई स्टूडेंट आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड का फर्क बता दें। आयनिक बॉन्ड बता दें कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके अंदर जाते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो दोनों आयंस बन जाते हैं और आयंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए हेल्ड हो जाते हैं, जो बड़ी स्ट्रांग होती है, वो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड्स हों वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग होती है एटम्स के दरमियान तो इसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं और ये कंपैरेटिवली वीक होते हैं। यही वजह है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर गैसीय स्टेट या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं। नेक्स्ट वैलेंसी। एटम जो है दे आर लिंक टूगेदर इन मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं जैसे कि आगे मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम आपस में लिंक्ड होते हैं। तो सच आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स दो किस्म के आंस आपने पढ़े, या वो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई एटम जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन को देखें, कार्बन की वैलेंसी चार है, ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी चार है और ये चार बॉन्ड बना सकता है। हाँ जी, आपको कार्बन की एग्जाम्पल देखें, इसमें कार्बन जो है इसकी चार वैलेंसी है, ये चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब हाइड्रोजन को अगर आप देखते हैं, मीथेन गैस में हर कार्बन चार हाइड्रोजन एटम से मिला हुआ है, ईच हाइड्रोजन एटम जो है वो एक बॉन्ड बनाता है बिकॉज हाइड्रोजन हैज वैलेंसी ऑफ वन। अब हाइड्रोजन के तो वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी चार इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये चार बॉन्ड बना सकती है। एग्जाम्पल देखिए आपको CH4 की, सेंटर में कार्बन का एटम शो किया और ये साइड्स पे जो है चार एटम अटैच हुए शो किए हैं हाइड्रोजन के। इट समटाइम्स लाइक इट हेल्प्स टू थिंक ऑफ ईच एटम हैविंग हुक्स कमिंग फ्रॉम ईच व्हिच रिप्रेजेंट द वैलेंसी बॉन्ड्स। कहा कि इसको समझने के लिए हम यूं कह सकते हैं जैसे हुक्स लगी हुई हैं सारे एटम्स के दरमियान और हुक्स से स्ट्रिंग्स आ रही हैं, उस स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि तीनों एटम आपस में फिक्स हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया आपको, ये मीथेन के बारे में
that seems sometimes has to think of each atom having hooks, जैसे लगता है कि जैसे हर एटम में हुक्स हो और उसके साथ वो दूसरे एटम्स के साथ अटैच हो रहे हैं और यही हुक्स कितनी निकल रही है ये उनकी वैलेंसी के इक्वल है. Here are the valencies of some elements which you will meet quite often. आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि आप इस्तेमाल में आएंगे आपके उनकी कुछ वैलेंसीज यहाँ दी हुई हैं. इनर्ट या रेयर गैसेज जो है जिन्हें नोबल गैसेज भी कहते हैं हीलियम नियॉन वगैरह उनको जीरो वैलेंसी दी हुई है इसलिए कि वो अनरिएक्टिव हैं. वो नॉर्मली किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड नहीं बनाते. देयर इज अ रीजन दे आर ऑफन रेफर्ड एज टू एज इनर्ट. ठीक है, इन गैसेज को इनर्ट गैसेज इस वजह से कहते हैं. ये एलिमेंट देख सकते हैं, ये पहला ग्रुप है सोडियम पोटाशियम, पहले ग्रुप के सोडियम पोटाशियम दो एलिमेंट दिए हैं. उसके बाद ये आपको सिल्वर का दिया है, ये डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है. उसके बाद कैल्शियम सेकंड का है, मैग्नीशियम है, फिर इसी तरह से जिंक और एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम जो है वो इसमें बी ब्लॉक में आ जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स में, जबकि जेड जो है जेड जो जिंक है ये डी ब्लॉक में आता है. ब्लॉक्स वगैरह प्रेडिटेबल जब स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे. इसी तरह आगे ये हीलियम नियॉन हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ये एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स और बैलेंसेस जल्दी. नेक्स्ट इज कोवेलेंट फॉर यस यस एनी क्वेश्चन अदरवाइज केमिकल फार्मूला वो वी हैव टू स्टार्ट. नो क्वेश्चन. केमिकल फार्मूला में बताया कि टू सम व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार अब ऑर्बिटल एलिमेंट्स क्या हमने एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़ा. अगर आप उसको सम अप करना चाहें तो देयर आर मोर देन 100 एलिमेंट्स व्हिच अबाउट 90 जो हैं दे अकर नेचुरली बाकी जो हैं आर्टिफिशियली बनाए गए हैं. एन एलिमेंट्स सच एज कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गोल्ड आयरन वगैरह दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस यानी इनसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेदर अदर नहीं कर सकते आसानी से आम तरीकों से. Each element has its own kind of atom which behaves in a particular way. Our element ka apna atom hai, apni kisam ke atoms hain jo usi ki tarah ek hi tarah se jo ke behave kar rahe hain. Each element is represented by a symbol. Jaise carbon hai to usko C se show karenge, sodium hai usko Na se show kar denge, FeRn hai usko ठीक है एफ ई आर एन था उसको एफ ए के साथ शो कर दिया. तो सम एलिमेंट्स एंड मेनी कंपाउंड्स एग्जिस्ट अ कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स लिंक टुगेदर तो दीज ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं. कहा कि बहुत से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या करते हैं उनके एटम्स ग्रुप्स में आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. यस सर आपने अटेंडेंस ले लिया अटेंडेंस ले लिया आपने रीजॉइन करना बच्चों ने लेक्चर में वाइंड अप करेंगे जैसे डिस्कनेक्ट हो मीटिंग तो फॉरन रीजन.